सबसे पहला जो कार्ड आया है आपके लिए वो है हैंग वुमेन का। ओके, हैंग वुमेन का कार्ड आया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का रिलेशनशिप एक ऐसी जगह पे पहुंचा होगा जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के साथ कैसे डील करें। और ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक टॉक्सिन रिलेशनशिप भी होता जा रहा है। आपको उस रिलेशनशिप में कहीं कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर शायद आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, आपको उनकी लाइफ में होना नहीं होना आपको कुछ मायने नहीं रखता। मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी कहीं ना कहीं ही एक दूसरे को स्पेस ना देने की है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको स्पेस नहीं देते हैं और शायद ये एनर्जी कैरी फॉरवर्ड रहेगी। आपके पार्टनर को लगता है कि आप ओवर पोजेसिव हो रहे हो, आप हर चीज पे उनकी नजर रखते हो और उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे दिल खोल के बात नहीं करते हो। तो ये हो सकता है कि आप भी ऐसा सोच सकते हो और आपके पार्टनर भी ऐसा सोच सकते हैं। इट कैन बी वाइस वर्सा। ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि आपके पार्टनर आपको सारी चीजें नहीं बताते और साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी ये लग सकता है कि आप उनको अपने दिल की सारी बातें नहीं बताते। कहीं ना कहीं ये भी हुआ है कि आपके पार्टनर बहुत सी चीजों में जगलिंग कर रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल उनका प्रोफेशन में वो जगलिंग कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप, अपने थॉट्स में वो जगलिंग कर रहे हैं और ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े। आपके पार्टनर के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक है। उनको डिसीजन लेना उनके बस की बात नहीं है और वो हमेशा वहीं पे कंफ्यूज होते हैं। और आपको प्रॉब्लम ये हो रहा है इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। हमेशा प्रॉब्लम होता रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप चाहो तो इस रिलेशनशिप को काम कर सकते हो और आपका पार्टनर भी इस रिलेशनशिप पे काम कर सकता है। बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की बातों को समझो। अगर कोई इंसान आपको कुछ नहीं बताना चाह रहा है तो थोड़ा सा वेट करो आप, क्योंकि आप बहुत इनपेशेंट हो जाते हो। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि आपको हर चीज जानना होता है और फटाफट जानना होता है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ये बताओ वो बताओ, वो नहीं वो भी बताओ। इतना क्वेश्चन आप नॉर्मल इंसान पे डालोगे तो वो बेचारा क्या करेगा। थोड़ा सा स्पेस दे दो उसको, थोड़ा सा टाइम दो उसको। वो टाइम पे वो आपको बताएगा या बताएगी कि प्रॉब्लम क्या है और उसको आप हेल्प करो डायरेक्शन के लिए, हेल्प करो उसको कम्युनिकेट करने के लिए उसके इश्यूज को। बट आपको लग सकता है कि आप उसको ज्यादा पुश नहीं करते हो लेकिन एक्चुअल में वो परेशान हो जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से। ये देखो वो उसका मूड डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं उनका मूड करेक्ट नहीं है, वो सोच नहीं पाते, वो सबकॉन्शियस क्या चल रहा है, कॉन्शियसली क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जगलिंग है लाइफ में, बहुत जगलिंग। बट एक चीज ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप ठीक नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि या तो आप अपनी चीजें छुपाते हो, उनको भी ऐसा लगता है कि आप उनसे चीटिंग करते हो। ओके, या फिर वो चीटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हाइड एंड सीक गेम भी चालू है। ये भी एक चीज है कि वो कहीं जाना चाहते हैं, वो शायद आपसे थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक थोड़ा सा ब्रेक हो रिलेशनशिप, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं आपसे। ये भी हो सकता है पॉसिबल। मुझे एक चीज लग रही है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का नया रिलेशनशिप चालू होगा। ये आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे अपने नए पार्टनर की तरफ, तो ये चांसेस भी हैं। बट मैं एक चीज और कहूंगी, जो करंटली रिलेशनशिप में है और जो रिलेशनशिप पे वर्क ऑन कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को काम किया जाए और इसी को कंटिन्यू किया जाए, तो सबसे बेस्ट दो आपको सजेशन दे रही हूँ मैं आपको। एक सजेशन ये है कि आपको फोकस होना बहुत जरूरी है कि आपको चाहिए क्या इस रिलेशनशिप से। आप
डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आप सीरियसली चाहते हैं रिलेशनशिप कंटिन्यू हो, एक चीज को ढूंढो और उस चीज पे फोकस करके आप बात करो कि मुझे आपसे ये चीज चाहिए और इतना टाइम चाहिए आपसे, ठीक है। ये आप करोगे तो आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ दूसरे पार्टनर को आपको स्पेस देना है। अगर वो इंसान आपसे कुछ नहीं बता रहा है या वो नहीं बताना चाहता है तो वेट करो उसको सही टाइम आने का, वो आपको खुद कम्युनिकेट करेगा जो वो आपको बताना चाहता है। और थोड़ा उसकी प्रॉब्लम को समझो, जैसे आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, वो नहीं है, उसको नहीं आता इतना अच्छा कम्युनिकेशन, वो अपनी एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा वीक है, तो आप उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो। वो जंगलिंग कर रहा है बहुत सी चीजों में, ठीक है। तो ये चीज है। और मेरे को एक चीज और लग रहा है, अगर आप आपके पार्टनर से स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करो या फिर आप उस चीजों को समझने की कोशिश करो जो वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यार वर्ड्स में कहाँ बोल पाते हो बहुत सी चीजें। बहुत सी चीजें हैं जो बोल भी नहीं सकते हो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें एक क्या बोलूं मैं आपको, एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है। आप उसकी फीलिंग्स को समझो, उसको सोल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करो। ये अगर आप करते हो तो आपका करंट रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है रिलेशनशिप, बहुत ही हाई लेवल पे आपका रिलेशनशिप जा सकता है। तो ओवरऑल मुझे एनर्जी अच्छी लग रही है। आप चाहो तो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है, मजिशियन का भी कार्ड है जो फिर कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन मजिशियन का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड कम्युनिकेशन है, ओके। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आपको बस वो समझ के बोलना है, क्या बोलना है, सामने वाले की बातों को समझना है, सामने वाला क्या सुनना चाहता है आपसे, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फोकस करो, वो बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। और आपके पार्टनर की जो प्रॉब्लम है, जो वो अपनी फीलिंग को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसको सपोर्ट करो आप उस लेवल में, और वो बातें सुनने की कोशिश करो जो वो कह नहीं पाता है, वो फीलिंग्स, वो उसके उसकी सारी इमोशंस को समझने की कोशिश करो, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छी रीडिंग है, आप कुछ चीज़ों को चेंज करके देखिए, नज़रिया चेंज करिए, नज़ारे चेंज हो जाएंगे आपके लिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है आपका, तो थोड़ा पेशेंस को डेवलप करिए आप अपने अंदर, ओके। तो ये आपके लिए